हेलो गाइस, तो स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे अपने गेमिंग ऑल फॉर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि GTA San Andreas एंड्रॉइड के अंदर ग्रीन लॉन और पिंक कलर के चेरी ट्रीज को कैसे इंस्टॉल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं खूबसूरत नजारा, हमारे GTA San Andreas एंड्रॉइड का क्लाइमेक्स पूरी तरह से चेंज हो चुका है, तो इसे खेलने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो क्या कुछ खास होने वाला है इस वीडियो में, जानने के लिए वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही उस बेल आइकन को भी दबाए कि आप देख सकते हैं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये मोड पैक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि मैं अपने खुद की वीडियो में जो ग्राफिक्स यूज करता हूँ उस ग्राफिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो इसी वीडियो के अंदर मैंने ग्रीन लॉन और चेरी ट्रीज के मोड पैक के साथ GTA 5 का ग्राफिक्स भी दिया है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा क्ल्यू मेनू के अंदर, उसी के अंदर आपको एक स्क्रिप्ट दिखाई देगी GTA 5 ग्राफिक्स की, उसको आपको एक्टिवेट कर देना है। आपके GTA San Andreas के अंदर टेक्सचर्स क्वालिटी और रिफ्लेक्शन में काफी हद तक चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ। तो इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस 3 स्टेप में होने वाली है। अगर आप इसकी एक भी स्टेप मिस करोगे तो आपका GTA San Andreas पूरी तरह से क्रैश भी हो सकता है। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को पूरा देखो, उसको समझो और उसके बाद ही उसकी इंस्टॉलेशन करो, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, मोड पैक को डाउनलोड करके सीधा उसे इंस्टॉल कर देते हो। फिर क्या होता है कि आपकी GTA San Andreas पूरी तरह से क्रैश हो जाती है, फिर आप कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा बोल देते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए बढ़ते इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो डाउनलोडिंग लिंक दिए, वहां से इस मोड पैक को आपको डाउनलोड कर देना है। फिर उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा Z Archiver एप्लीकेशन के अंदर, उस फाइल को हमें सिलेक्ट कर देना है और डिवाइस स्टोरेज में कहीं भी एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे हम उसे एक्सट्रैक्ट करने जाएंगे, हमें एक पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसका पासवर्ड है कैपिटल लेटर में गेमिंग ऑल फॉर यू, और आपको उसे वहीं पे एक्सट्रैक्ट कर देना है। फिर उसी के अंदर हमें एक फोल्डर दिखाई देगा com.rockstargame.gta, उस फोल्डर को हमें कट कर देना है। फिर हमें जाना है डिवाइस स्टोरेज, एंड्रॉइड डेटा, और उसी के अंदर उसको पेस्ट कर देना है। तो आपको यहाँ पे रिप्लेस नाम को ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको टैप कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइल है वो सक्सेसफुली रिप्लेस हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं DFF की इंस्टॉलेशन की तरफ। तो DFF की इंस्टॉलेशन के लिए हमें लगने वाला है GTIMG टूल एप्लीकेशन। तो जैसे हम इस एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, हमें सिलेक्ट करनी है GTA3.img फाइल, और ये फाइल हमें मिलेगी डिवाइस स्टोरेज, एंड्रॉइड डेटा, com.rockstargame.gta फाइल्स, TextDB, और उसी फोल्डर के अंदर हमें मिलेगी GTA3.img फाइल, और ये फाइल हमें सिलेक्ट कर देनी है। फिर हमें राइट साइड के कॉर्नर के ऊपर जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे हमें टैप कर देना है। उसी के अंदर हमें 2 नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा एड फाइल विथ रिफ्लेक्स का, उस पर हमें टैप कर देना है। फिर हमें वहाँ पे जाना है जहाँ पे हमने उन सारे DFF को एक्सट्रैक्ट किया है, उसको हमें ऑल सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि DFF सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। फिर उसी ऑप्शन में जाके आप उसको रिबिल्ड कर देना है। तो टेक्चर्स के इंस्टॉलेशन के लिए जैसे हम TXT टूल एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, हमें सिलेक्ट करनी है GTA3.txt फाइल, और ये फाइल हमें मिलेगी डिवाइस स्टोरेज, एंड्रॉइड डेटा, com.rockstargame.gta फाइल्स,
टेक्स डीबी, उसी फोल्डर के अंदर आपको मिलेगी GTA 3 और उसी के अंदर आपको मिलेगी GTA 3.txt फाइल और ये फाइल हमें सिलेक्ट करनी है। फिर आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको राइट साइड के कॉर्नर पे नीचे जो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है उस पर आपको टैप कर देना है। तो हमें जाना है फ्रॉम इमेजेस पे, तो सबसे पहले हमें लेने हैं विद अल्फा वाले टेक्सचर्स, तो हम यहाँ पे टैप करेंगे विद अल्फा पे। तो सबसे पहले हमें जाना है विद अल्फा फोल्डर के अंदर, उसके अंदर आपको जितने भी टेक्सचर्स दिखाई दे रहे हैं उसको आपको ऑल सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे टेक्सचर्स की क्वालिटी को अपने डिवाइस के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मीडियम पे ही रखूंगा और आपको उसे ओके कर देना है। तो प्रोसेस हो रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद अल्फा वाले टेक्सचर्स हमारे गेम में सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस विदाउट अल्फा वाले टेक्सचर्स में भी होने वाली है। फिर हमें जाना है विदाउट अल्फा में, विदाउट अल्फा फोल्डर के अंदर जितने भी आपको टेक्सचर्स दिखाई दे रहा है उसको आपको ऑल सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। तो अभी ये मोड पैक रेडी है हमारे GTA San Andreas एंड्रॉइड के अंदर, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मोड पैक आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो वीडियो पे एक लाइक जरूर छोड़ दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नया मोड पैक लेके, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।